इसने लोड ज़्यादा डाला था, गिले में इसने लोड ज़्यादा डाला। अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई रोटावेटर में वजन कितना है। तो ये हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा वजन इसी में मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाइयों, जो आज का वीडियो है ना वो है ये माशको के जायरोवेटर का। तो इसका मैं आपको है ना रिव्यू देने वाला हूँ। तो इसको अपन ने मतलब काफ़ी चला लिया है, लगभग लगभग अपन ने इसको है ना 300-400 घंटे तो भाई चला ही दिया है। तो अब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि भाई कैसी इसकी क्या है, कैसा रोटावेटर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखो, रोटावेटर लेते समय सबसे मेन चीज़ होती है, दो चीज़ होती है। देखो, पहली होती है कि रोटावेटर ट्रैक्टर पर लोड कितना डालता है, ठीक है, मतलब कितना आराम से रोटावेटर को कितने आराम से चला पाता है। और दूसरा होता है कि रोटावेटर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। ये दो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी ये दो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो बिल्ड क्वालिटी बताऊंगा और एक इसके ये ट्रैक्टर पर लोड कितना पड़ रहा है। तो किसान भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो ये 54 ब्लेड वाला जायरोवेटर है। इसकी लंबाई 6.5 फीट है और कटिंग है इसकी 6 फीट में, मतलब 6 फीट का एरिया ये कवर करता है। थोड़ा सा मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, ये देखो। तो अब अपन बात करते हैं कि भाई इसको अपन ने पहले चलाया था मैसी फर्ग्यूसन 241/42 हॉर्सपावर, अब अपन इसको अभी चला रहे हैं महिंद्रा अर्जुन 9 पे। अर्जुन के लिए ये रोटावेटर छोटा है वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो अपन कैसे चला रहे, अपन ने इसकी गियर स्पीड बढ़ा दी, मतलब इसको सबसे ज़्यादा हाई आरपीएम पे सेट कर दिया और अपन इसको ट्रैक्टर के बड़े गियर में चलाया, जिससे काम ये अपना 7.5-8 फीट का जो रोटावेटर है ना उसके बराबर ही निकाल, थोड़ा अब देखो उसके बिल्कुल उसके बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अपने को निकाल दे रहा है उसके समथिंग समथिंग अपने काम निकाल देता है। तो ये था भाई इसको कि अपन इसको बड़े ट्रैक्टर पे भी चला सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर पे चलाना तो वही आरपीएम कर दो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी एक ही प्रॉब्लम है, ये देखो ये यहाँ पर है ना, आपने वीडियो अगर मेरा देखा होगा ना पहले का, तो ये यहाँ पर वायर वगैरह बाकी जब चीज़ें फंस जाती है ना, जिससे ये अंदर चली जाती है और ये दिक्कत आती है। ये इधर भी है और ये इधर भी, देखो ये इधर ये जो गैप है ना इसमें भी ये चीज़ लपेट आ जाती है, जिससे कि अपने को ये चलाने में दिक्कत आती है। तो ये तो हो गया भाई अपना इन साइड की चीज़ों का, जो कि ये छोटी मोटी है समस्या है। तो इसको बनाती है मेस्कियो गास्पार्डो, जो कि एक इटली की कंपनी है, जो कि भारत में इसके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं रोटावेटर में। तो उसमें से एक ये मॉडल है विराट प्लस, तो ये विराट प्लस वाला मॉडल है। और इसकी अपन बात करें ना अब गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स है ना अपने को अभी कोई भी समस्या नहीं है, बहुत ही बढ़िया गियर बॉक्स है, ना कोई लीकेज की दिक्कत है, छोटी मोटी तो देखो इतना तो भाई चलता है, कोई अपने को समस्या नहीं आई है। और बाकी अपन बात करते हैं अब इसकी, जो दो मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी जो कि रोटावेटर में मेन होती है, पहला तो हो गया भाई बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी है इस चीज़ से, जायरोवेटर और इसमें लगभग 451 किलो, जो महिंद्रा का जायरोवेटर आता है ना उसमें रहता है लगभग 403 किलो के समथिंग, मतलब इसमें वजन तो है जायरोवेटर के, रोटावेटर में इससे ज़्यादा वजन आता है जो कि कंप्लीट वाला आता है। तो बिल्ड क्वालिटी तो भाई रोटावेटर की अच्छी है, ये तो नहीं बोलूँगा एकदम बेस्ट है, पर अच्छी है। अगर मैं दूसरे रोटावेटर के मुकाबले अगर आपको दिखाऊँ, मतलब जायरोवेटर मुकाबले, तो मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी। बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे ना तो इसमें कई कई की जगह पर डेंट पड़े हुए, एक डेंट यहाँ पर है, उसके बाद कई कई पर है, बहुत कम है, एक ये छोटा सा यहाँ पर डेंट है और एक ही यहाँ पर, मतलब जो पत्थर आ जाते हैं ना तो उसकी वजह से डेंट पड़ जाते हैं। तो ये पीछे का पैनल सबसे ज़्यादा ख़राब होता है रोटावेटरों का, इसका मेरे को इतना कोई लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत कम डैमेज है इसमें वैसे। और दूसरी बिल्ड क्वालिटी हमने दिखाऊँ तो ये वाला, इस पैनल की अपन बात करें ना तो इसमें मुझे लगता नहीं है कोई डेंट वगैरह है, एक डेंट यहाँ पर है, एक बार बड़ा पत्थर आ गया था, सिर्फ एक डेंट आया इसमें। ये ऊपर का चद्दर भी इसका बहुत मजबूत है, फ्रेम भी बहुत मजबूत है भाई, फ्रेम में भी कोई इशू नहीं है, ना कहीं से कोई मतलब तिराड़ वगैरह कुछ भी नहीं चला। साइड का जो गियर बॉक्स साइड वाला जो आता है ना, इसमें भी गियर लगे हुए, ये चेन वाला नहीं है, ये भी बढ़िया है, इसमें भी कोई इशू नहीं आया अपने को। अपनी जो साइड वाली जो पत्तियाँ रहती है ना वो घसा गई है थोड़ी थोड़ी, अब ये तो भाई चलता है, अगर रोटावेटर चलेगा तो ये तो घसाएगी, ये तो बात पक्की है। ब्लेड भी अगर आप देखोगे ना तो ज़्यादा कुछ नहीं घिसा है, लेकिन अच्छी खासी इनमें धार बन चुकी है, थोड़ी बहुत ब्लेड भी घसा गई है, अपनी दो ब्लेड इसकी टूट भी गई थी तो वो कंपनी ने अपने को दे दी थी, तो अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है रोटावेटर की, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पथरीली ज़मीन में तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अच्छी
कम पत्थरी वाली ज़मीन है तो चल सकता है, कम पत्थर। वैसे मैं आपको बता दूँ, एक और वीडियो मैंने बताया इसका, जो कि इसकी सिर्फ समस्या बताइए तो वो भी आप देख लेंगे, इसकी नहीं सिर्फ जायरोटा की बताइए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर पथरीली मिट्टी नहीं है ना तो बहुत ही बढ़िया है बिल्ड क्वालिटी इसकी। अब अपन बात करते हैं भाई ट्रैक्टर पर लोड की, तो रोटावेटर ट्रैक्टर पर लोड ऐसा डालता नहीं है, एक स्मूथ प्रकार से भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल रोटावेटर चलता है। कम आरपीएम पे मतलब गियर के कम सेटिंग कर दोगे ना तो बढ़िया चलेगा, ज़्यादा करोगे तो भाई थोड़ा बहुत तो लोड देगा लेकिन फिर मिट्टी बारीक करेगा, तो रोटावेटर बिल्कुल ही नॉर्मल चलता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। मतलब नॉर्मल प्रकार से जैसे रोटावेटर चलता है ना उस प्रकार से चलता है। पर एक बात अगर बताऊँ, मैंने अपने अर्जुन नोवा पर लैंड फोर्स का 7.5 फीट का रोटावेटर चलाया था गीले में, और इसको भी उसी खेत में चलाया था, इस सामने वाले खेत में, तो इसने लोड ज़्यादा डाला था गीले में, इसने लोड ज़्यादा डाला, और वो 7.5 फीट के लैंड फोर्स का रोटावेटर ने लोड कम डाला, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चला मेरे को। गीले में भाई ये लोड डालता है, सूखे में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गीले में इसके ना बॉडी पूरी भरा जाती है मिट्टी से, तो वहाँ पर ये लोड डालने लग जाता है। तो गीले के लिए और पथरी मिट्टी के लिए ये रोटावेटर बिल्कुल नहीं बना, मतलब ये जायरोटर नहीं बना है, तो आप इसे इन दो चीज़ों के लिए तो मत लेना। बाकी आप बहुत ही बढ़िया है, हमारे यहाँ पर अच्छी खासी इसकी बिक्री होती है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, स्वराज, इन तीनों के रोटावेटर मेशको ही बनाती है, ये अपने रोटावेटर नहीं बना, मतलब जायरोवेटर जो बोल रहा हूँ ना मैं, जो इस प्रकार के जो उनके जायरोवेटर आते हैं ना वो मेशको ही बनाती है, ज़्यादातर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के पास है, और आपको देखने में भी एकदम थोड़े थोड़े सेम लगेंगे, थोड़ा बहुत फर्क है फ्रेम वगैरह का, बाकी सेम है वो। तो किसान भाई कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।